ये देखिए गाइस, हमारी आज की रेसिपी माता रानी को भोग लगाने वाला सूजी का हलवा बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी तरीके से बनाया है। और इसमें हर चीज बहुत मैनेज करके बताई है आपको, जो एक बार आप अगर ये देख लेंगे ना तो दोबारा किसी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी आपका हलवा बनकर तैयार होगा। ये देखिए गाइस, जैसे ये हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल जूसी और यम्मी बनकर रेडी हुआ है। हमारी ट्रिक से अगर बनाएंगे तो इसी तरह से जूसी और यम्मी हलवा बनके तैयार होगा। ये देखिए गाइस, एक से दो दिन तक रख कर खाएंगे ये, फिर भी ऐसे ही जूसी और यम्मी हलवा हमारा बना रहेगा। तो इसी ट्रिक से बनाकर देखें एक बार और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अपनी ये पूरी वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं इस समय। तो आज हम बनाने जा रहे हैं माता जी को भोग लगाने वाला, जो पर्व अष्टमी और नवमी को लगाया जाता है माता जी को भोग, उसका बनाने जा रहे हैं हलवा, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे। तो ये है हमारी 1 कप सूजी, ये 1/4 कप घी। तो देखिए हम घी कितना यूज करते हैं और चीनी की क्वांटिटी हम बाद में बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो लगभग लगभग हम आधे से बिल्कुल 2 स्पून इसमें बचाया है, हमने सारा ऐड कर दिया है इसमें घी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें घी और पानी की जो क्वांटिटी होगी उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा हलवा कैसा बनेगा। तो ये देखिए 1 स्पून करीब हमने बचाया, हमने सारा डाल दिया, यानी 1/4 कटोरी घी था, हमने सारा ऐड कर दिया, सिर्फ 1 स्पून में इसमें घी बचाया हुआ है, जो कि अगर हमें कम लगेगा तो वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। तो इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखिए गाइस, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, कुछ क्या, हमने बादाम सिर्फ ले रखी है, इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो सूंधापन है वो आ जाए, इसकी इसमें बढ़िया हो जाए। ठीक है, ये लंबे लंबे हमने कट कर लिए हैं, अगर आपके लंबे ना कट करें तो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए पानी में, उसके बाद कट करिए, अच्छे से ये आपके बादाम कट हो जाएंगे। तो इनको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, फ्राई हो चुका है, तो अपनी हम सूजी यानी सेवई नीला इसमें डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए घी कितना सारा है, और अभी ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी सूजी हमारी, और ये एकदम फूल कर दाना दाना आएगा इसका घी, तो बहुत टेस्टी बनेगी। और गाइस ये वीडियो हम मॉर्निंग में बना रहे हैं, थोड़ा सा वॉइस की अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से लाइट नहीं आई थी, जिसकी वजह से एक दिन पहले हमने वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो जिस दिन हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, उसी दिन हमने वीडियो बनाई है इसी वजह से। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा भून रहा है अच्छे से सूजी, और इसमें घी की मात्रा भी कम नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने बचाया था 1 स्पून घी, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी को ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए, चाहे वो आटे का हलवा हो या फिर सूजी का या कोई भी हलवा हो, उसमें घी और पानी बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि हमारा घी कैसा उसमें है, किस मात्रा में है, और पानी किस मात्रा में है। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा सारा कुछ भून चुका है। तो ये हमारी एक कटोरी चीनी, देखिए फुल भरी हुई कटोरी चीनी है, सूजी हमारी थोड़ी सी कम थी, बस हमने चीनी जो ली है उसको फुल भर कर लिया हुआ है। और फ्लेम को इस वक्त धीमा कर देंगे, क्योंकि इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा छिपकेगा। ठीक है, और पानी भी आप देख लीजिए क्वांटिटी, हम जितनी सूजी ले रहे हैं उसका 3 गुना पानी, 1 कटोरी 2, थोड़ा सा चढ़ा देंगे इसमें, जिससे कि हमारा अच्छे से बन जाए। ठीक है, 2 कटोरी लिया हुआ है, अब ये 3 कटोरी पानी। ठीक है, 3 कटोरी पानी हमें दिया हुआ है, और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ठीक है, देखिए गाइस, केसर आपके पास नहीं है, क्योंकि सबके पास नहीं होती है सही में, तो हम थोड़ा सा केसरी कलर लाने के लिए केसरी कलर डाल देंगे, फूड कलर या येलो कलर कह सकते हैं हम। तो इसको हम थोड़ा सा, देखिए हमने डाल दिया इसका कलर, कितना प्यारा हो गया।
तो इसी से बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे। कुछ झंझट नहीं करना, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे ही फ्लेम पर चला रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे चला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि गाइस ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बादाम, किशमिश, काजू, चिरौंजी, ये सारे जो भी आप चाहें वो ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते रहिएगा, लास्ट में हम एक और इसमें ट्रिक बताएंगे जिससे हमारे हलवे में ना चमक और साइन और बहुत जूसी वाला आएगा। ये देखिए गाइस, ये फूलने लगा, एकदम से अच्छे से फूलने लगा है। तो अभी देख सकते हैं, इस समय पर आप फ्लेम धीमी करते हैं वरना आप रह सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज छिट्टियां निकल रही हैं, तो इसको हमने धीमा कर दिया है। धीमा करके गाइस इसको हम कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट में ये फूल जाएगा, छिट्टियां भी आपके ऊपर नहीं आएंगी, बट बीच बीच में चलाते रहिएगा इसको। ये देखिए गाइस, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्लेम धीमी रखिए वरना तले में जल जाएगा। और आप थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए बीच बीच में जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। ठीक है, ऐसे चला दीजिए जिससे आपके ऊपर छिट्टियां भी ना आए और अच्छे से बन जाए। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हुए और कितना बढ़िया जूसी लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल पकते हुए हमारे हलवे को। तो अब ये देखिएगा है, ठीक है, और अच्छे से एक एक दाना देख सकते हैं आप कितना अच्छे से फूला हुआ आया है। और अब इसी में हम ये 4 टेबलस्पून और चीनी ऐड करेंगे जिससे कि जो इसका जो ये पिघलेगी ना, तो इसका जो रस होगा वो इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा और इसी की वजह से जूसी टेक्सचर आएगा। तो आज की हमारी यही ट्रिक है इस हलवे के लिए, इसको हम धीमी फ्लेम पर इसको भी हम पिघला लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, इसकी साइन कितनी प्यारी और कितनी यमी आई हुई है। तो ये हमारा बन चुका है और ये देख सकते हैं आप, इसका इतना मुंह में एकदम घुल जाने वाला। देखिए, ये साथ तो वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है मगर ये हलवा बहुत 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 ज्यादा यमी है गाइस। पास से दिखा रहे कितनी ज्यादा साइन और कितना ज्यादा यमी है। ठीक है, और देखिए गिराने के कंसिस्टेंसी से दिखा रहे हैं आपको कितनी ज्यादा जूसी होगा ये हमारा हलवा। तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए गाइस, बन चुकी है हमारी रेसिपी, हमारी आज की रेसिपी, माता रानी को भोग लगाने वाला सूजी का हलवा, जो कि अष्टमी और नवमी को लगाया जाता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है? देखिए, इसमें हमने नारियल और बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, आप अपने हिसाब से गार्निश कर लीजिए। तो आज बताइएगा कमेंट में आज की रेसिपी कैसी लगी हमारी। तो प्लीज, अगर रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।